अरे महादेव, आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस। ठीक है, तो हमने अगले वीडियो में क्या देखा था, जो भी एंटीबॉडी है उसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया था। ठीक है, और एंजाइमेटिक डाइजेशन भी हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे जो भी एंटीबॉडी है, ठीक है, उसके क्लासेस के बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, किसके बेस पे हम उसे क्लासिफाई करते हैं, जो भी एंटीबॉडी है, ठीक है, उसे हम क्लासिफाई किसके बेस पे करते हैं, जो भी अमाइनो एसिड सीक्वेंस प्रेजेंट है, किस पर, हैवी चेन पर। ठीक है, उसकी सीक्वेंस के बेस पे हम एंटीबॉडी को क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने देख लिया था ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो पहले जो आगे वाला रीजन था, ठीक है, उसे हम क्या कहते थे, वेरिएबल रीजन, और यहाँ क्या है, कॉन्स्टेंट रीजन प्रेजेंट है, और इसी तरह से यहाँ क्या, लाइट चेन प्रेजेंट थी, वेरिएबल रीजन, कॉन्स्टेंट रीजन प्रेजेंट था। तो हम जो भी क्लासिफाई करते हैं एंटीबॉडी को, वो किसके बेस पे करते हैं, जो भी ये हैवी चेन है, ठीक है, ये हैवी चेन है, उसकी सीक्वेंस, उसकी अमाइनो एसिड सीक्वेंस, क्योंकि ये जो एंटीबॉडी किसी बनी हुई है, अमाइनो एसिड प्रोटीन की ही है। ठीक है, जो आगे का पोर्शन है वो क्या है, अमाइनो टर्मिनल, और जो FC पोर्शन है वो क्या है, कार्बोक्सिल टर्मिनल है। ठीक है, तो हम जो भी एंटीबॉडी है उसको क्लासिफाई करते हैं किसके बेस में, जो भी हैवी चेन के अमाइनो एसिड के सीक्वेंस है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करेंगे, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। ठीक है, IgG का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा और उससे कम होगा IgA का, एंड देन IgM, IgD एंड IgE। ठीक है, सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे IgG। सो इट कंस्टिट्यूट अबाउट 70-80% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन, जो भी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, जो फाइव क्लासेस है हमारे एंटीबॉडी के। ठीक है, तो उसमें से 80% क्या प्रेजेंट है, IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, और उसका मोलिकुलर वेट कितना है, 150,000 डाल्टन। ठीक है, और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो गया, और जो भी टोटल सीरम कंसंट्रेशन है वो है हमारा 8-16 mg/ml। ठीक है, जो भी सीरम कंसंट्रेशन, मतलब कि सीरम के अंदर 1 ml के अंदर 8-16 mg जो भी है एंटीबॉडी, वो कौन सी है, IgG है। ठीक है, और उसकी हाफ लाइफ है 23, सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ है IgG की। फिर IgG इज़ द प्री डोमिनेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इन ब्लड, लिम्फ, पेरिटोनियल फ्लूइड, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में है। ठीक है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्स्ट्रा एंड इंट्रावास्कुलर स्पेस में। ठीक है, फिर IgG के भी सब क्लासेस है, IgG1, IgG2, IgG3 एंड IgG4। ठीक है, वो हम किसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द कॉन्स्टेंट रीजन। ठीक है, जो भी कॉन्स्टेंट रीजन में जो भी अमाइनो एसिड सीक्वेंस प्रेजेंट है, उसके बेसिस में हम उसको क्लासिफाई करेंगे, और उसका परसेंट IgG1 65% प्रेजेंट है, 23%, IgG2, IgG3 8% एंड IgG4 4%। फिर है उसका फंक्शंस ऑफ IgG, ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस, जब भी जो IgG है, ठीक है, वो ट्रांसफ़र होता है मदर टू फीटस, मतलब कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। ठीक है, जो भी ट्रांसफ़र होती है IgG एंटीबॉडी, तो वो क्या करेगा, फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो वो प्रोटेक्शन का काम करेगा, तो यहाँ यही लिखा हुआ है। ठीक है, कि IgG दैट कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्फंट। ठीक है, वो क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे इन्फंट को। फिर ऑप्शनाइजेशन, ऑप्शनाइजेशन मतलब कि अगर कोई IgG है, ठीक है, वो क्या करेगा, बाइंड करेगा किसके साथ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, एंड देन एनहांस देयर फेगोसाइटोसिस। और उसको फेगोसाइटोसिस को हम तो हमें पता ही है फेगोसाइटोसिस क्या है, कोई भी फॉर एग्जांपल कि ये कोई एंटीजन है, ठीक है, हम उसको क्या, कोई एंटीबॉडी है, ठीक है, वो क्या होगी, बाइंड होगी एंटीजन से। ठीक है, और जो भी एंटीजन है, एंटीजन का जो FC पोर्शन है, वो FC पोर्शन किसी सेल, मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई न्यूट्रोफिल है या तो फिर कोई मास्ट सेल है, उसके पास FC रिसेप्टर प्रेजेंट हो गए, ताकि जो एंटीबॉडी है, ठीक है, वो FC रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगी, और ये सेल डिटेक्ट करेगा कि भाई हाँ एंटीजन प्रेजेंट है, तो फिर वो क्या करेगा, वो उसको एंगल्फ कर लेगा, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कोई एंटीजन आया हुआ है, और ये है एंटीबॉडी, और ये है रिसेप्टर ये सेल का। ठीक है, ये कोई सेल है, ठीक है, तो अब क्या होगा, इस एंटीजन का अब एंगल्फमेंट होगा, तो कुछ स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, ये है रिसेप्टर और ये है एंटीबॉडी और यहाँ है एंटीजन, तो उसी तरह से ये क्या करेगा, पूरा एंगल्फ कर लेगा। ठीक है,
फिर क्या है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, IgG पार्टिसिपेट इन मोस्ट इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन लाइक कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड टॉक्सिन्स एंड वायरस. हम सारे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पढ़ेंगे, तब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन है, प्रेसिपिटेशन है, न्यूट्रलाइजेशन एंड ऑप्सोनाइजेशन ऑल्सो. ठीक है, फिर है इमोबिलाइज बैक्टीरिया. इमोबिलाइज मतलब मोबाइल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, अगर कोई एंटीजन मोबाइल होता है मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट होना पड़, अगर होना है किसी बैक्टीरिया को, तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फ्लेजेला या तो फिर सीलिया की. ठीक है, तो IgG क्या करता है, वो सीलिया और फ्लेजेला से ही बाइंड कर देते हैं. ठीक है, ठीके? ताकि एंटीजन है वो कहीं मतलब मूव ना कर पाए. ठीक है, उसका जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द IgG, मतलब कि यहाँ FC फ्रेगमेंट प्रेजेंट है, वेरिएबल रीजन, जो भी नॉर्मल जो भी स्ट्रक्चर है. ठीक है, IgG का उसके अंदर रेंज रीजन भी प्रेजेंट है और कांस्टेंट रीजन भी प्रेजेंट है. ठीक है, 3 कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट हो गए और एक वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होगा और यहाँ हिंज रीजन प्रेजेंट होगा. लेकिन याद रखो कि अगर IgM का स्ट्रक्चर हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी कांस्टेंट रीजन है वो 4 प्रेजेंट होगे. क्यों? क्योंकि उसके पास हिंज रीजन एब्सेंट है. ठीक है, फिर है IgA. तो IgA वो 10-13% ऑफ सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन, कि वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, 10-13%. ठीक है, नॉर्मल सीरम लेवल कितना है, 1 ml में 0.6-4.2 mg. ठीक है, और उसकी हाफ लाइफ है 6-8 days. फाउंड इन एक्सटर्नल सिक्रीशन, मतलब कि जहाँ IgA, अगर आप वर्ड यूज़ करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ सिक्रेशन होता है, ठीक है, वहाँ IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, वहाँ प्रेजेंट ही होगी, प्रोड्यूस नहीं, सॉरी. ठीक है, फॉर एग्जांपल म्यूकस, टीयर, सलाइवा, गैस्ट्रिक फ्लूइड एंड स्वेट. ठीक है, IgE अकर इन टू फॉर्म, सीरम IgE एंड सिक्रीटरी IgE, मतलब कि जो भी सीरम में प्रेजेंट है वो IgE एंटीबॉडी एंड सिक्रीटरी IgE, जो भी टीयर्स है, मिल्क है, गैस्ट्रिक फ्लूइड है. ठीक है, वहाँ जो सीक्रेट होगी वो. तो यहाँ हम पहले देख लेते हैं सीरम IgA. तो सीरम में जो IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, वो मोनोमेरिक फॉर्म होगी. ठीक है, वो कैसी होगी, मोनोमेरिक, मतलब कि एंटीबॉडी इस तरह से कुछ होगी. लेकिन जब सिक्रेटरी IgA होगी तो वो डाइमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होगी. कहाँ? डाइमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होगी. ठीक है, और वो बाइंड होगी चे चेन के थ्रू. ठीक, जो सीरम IgA है वो मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होगी और उसका मोलिकुलर वेट है 1,60,000. और उसका मेन फंक्शन क्या है, इट्स इंटरेक्ट विद द FC रिसेप्टर एक्सप्रेस्ड ऑन इम्यून इफेक्टर सेल्स टू इनिशिएट वेरियस फंक्शन सच एज ADCC एंड डीग्रेन्यूलेशन ऑफ इम्यून सेल्स. क्या करेंगे, जो भी IgA है वो क्या करेंगे, उसका FC रिसेप्टर है वो कोई इफेक्टर सेल से बाइंड करेगा और क्या करेगा, वो डीग्रेन्यूलेशन होगा. और डीग्रेन्यूलेशन होगा तो उसके अंदर के बहुत सारे एंजाइम्स हो गए, ठीक है, वो सीक्रेट हो गए, तो वो क्या करेंगे, एंटीजन को किल करेंगे. फिर सीक्रेटरी IgA, तो सीक्रेटरी IgA हमें, मैंने बोला था कि भाई वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होगी, डाइमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होगी. ठीक, IgA फाउंड इन बॉडी सिक्रेशन लाइक मिल्क, सलाइवा, टीयर, इंटेस्टिनल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो भी टू मोनोमर यूनिट्स आर जॉइंट टुगेदर बाई थी चे चेन. ठीक है, वो किससे प्रेजेंट बाइंड होगी, चे चेन से. मतलब फॉर एग्जांपल ये IgA एक एंटीबॉडी और ये है दूसरी. ठीक है, और ये दोनों बाइंड होगी चे चेन से. ठीक है, चे चेन मतलब कि जॉइनिंग चेन. उसके अलावा भी एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, उसे हम कहेंगे सिक्रीटरी कंपोनेंट. जो भी डाइमेरिक फॉर्म में एंटीबॉडी IgA प्रेजेंट है, ठीक है, वो उसके साथ जो जे चेन है उसके अलावा एक सिक्रेटरी कंपोनेंट भी प्रेजेंट होगा. ठीक है, सिक्रेटरी कंपोनेंट हम किसे कहेंगे, सिक्रेटरी IgA कंटेन अनदर ग्लाइसिन रिच पॉलीपेप्टाइड. जो भी सिक्रेटरी कंपोनेंट है वो क्या है, ग्लाइसिन रिच एक पॉलीपेप्टाइड है. ठीक है, उसे हम कहेंगे सिक्रेटरी कंपोनेंट. ठीक है, वो कहाँ से प्रोड्यूस्ड हो गए, म्यूकोजल एपिथेलियल सेल में से. हमें पता ही होना चाहिए कि भाई जो सिक्रेटरी IgA एंटीबॉडी है वो कहाँ होगी, जहाँ सिक्रेशन होगा वहाँ. तो जो भी सिक्रेटरी कंपोनेंट है वो कहाँ से प्रोड्यूस्ड होगा, म्यूकोजल एपिथेलियल सेल में से. ठीक है, फिर क्या है, द डाइमेरिक IgA मोलिक्यूल रिलीज्ड बाय प्लाज्मा सेल्स. जो भी IgA बना हुआ है, ठीक है, जो भी डाइमेरिक IgA, हमें पता है कि सारी एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है, बी सेल्स.
बी सेल्स ही तो सारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एंड देन बाइंड द रिसेप्टर ऑन द बेसल मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियल सेल। जो भी IgA एंटीबॉडी है वो कहाँ से रिलीज होगी, मैच्योर बी सेल में से, और फिर वो कहाँ जाके बाइंड होगी, जो भी बेसल मेम्ब्रेन है एपिथेलियल सेल की, ठीक है, उसके रिसेप्टर के साथ वो बाइंड होगी। उस रिसेप्टर को हम क्या कहेंगे, पोली IgA रिसेप्टर। क्या कहेंगे, पोली IgA रिसेप्टर, ठीक है। सिक्रेटरी कंपोनेंट है वो रेजिस्टेंट होते हैं किससे, डाइजेस्टिव एंजाइम से। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो भी सिक्रेटरी IgA एंटीबॉडी है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इंटेस्टिनल जो भी ट्रैक्ट है, ठीक है, वहाँ प्रेजेंट होगी, तो वहाँ एंजाइम्स पे प्रेजेंट होगे, तो जो भी हमारी एंटीबॉडी है वो उसको भी वहाँ सर्वाइव करना पड़ेगा, तो उसका अगर डीनेचुरेशन होगा तो वो हमें प्रोटेक्शन कैसे देगा, तो जो भी सिक्रेटरी कंपोनेंट है, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करेगा IgA को, ठीक है, फ्रॉम द डीनेचुरेशन। फिर सब क्लासेस ऑफ IgA, IgA के टू सब क्लासेस है, IgA1 एंड देन IgA2। IgA1 जो भी सीरम एंटीबॉडी है, जो भी सीरम में IgA प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है IgA, वो IgA1 टाइप में वन टाइप की प्रेजेंट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू IgA2, ठीक है। और IgA2 किस में ज़्यादा होगी, IgA2 होगी जो भी सिक्रेटरी कंपोनेंट है, सिक्रेटरी एंटीबॉडी है उसके अंदर IgA2 टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। फिर आएंगे हमारे फंक्शंस ऑफ IgA, तो वो क्या करेंगे, लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। क्यों लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो भी सिक्रेटरी IgA है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, ठीक है, तो वहाँ जो भी एंटीजन अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसको उसकी एंट्री को प्रिवेंट कर देंगे, मतलब कि लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। फिर क्या है, प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंट्री इनटू बॉडी टिश्यू, जो भी ऑर्गेनिज्म से बाहर, ठीक है, तो उसको उसकी एंट्री को प्रिवेंट कर देंगे ताकि वो हमारी बॉडी में इनहेल ना हो, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, न्यू बॉर्न प्रोटेक्शन, क्योंकि हमें पता है कि जो मिल्क है, ठीक है, मिल्क में भी क्या सीक्रेट होता है, IgA एंटीबॉडी उसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो वो क्या करेगा, जो भी न्यू बॉर्न है उसको प्रोटेक्ट करेगा कोई भी इन्फेक्शन से अगेन, ठीक है। फिर क्या करेगा, अल्टरनेटिव पाथवे को एक्टिवेट करेगा। जब भी हम कॉम्प्लीमेंट पाथवे पढ़ेंगे तो उसके थ्री टाइप्स है, ठीक है, क्लासिकल, अल्टरनेटिव एंड लेक्टिन, तो उसके अंदर अल्टरनेटिव पाथवे आता है, तो उसको एक्टिवेट कौन करता है, IgA, ठीक है, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिर क्या है, फेगोसाइटिस एंड इंट्रासेल्युलर किलिंग। फेगो वो क्या प्रमोट करता है, फेगोसाइटोसिस को प्रमोट करता है और इंट्रासेल्युलर को, इंट्रासेल्युलर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उसको किल करेंगे। फिर आएगी हमारी IgM एंटीबॉडी। IgM नॉर्मली 10% सीरम प्रेजेंट होती है। इट इज हैवी मोलिक्यूल, क्योंकि जो IgM है वो पेंटामेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसीलिए उसका जो मोलिकुलर वेट है वो 9 lakh to 10 lakh डाल्टन होता है, और उसका नॉर्मल सीरम लेवल कंसेंट्रेशन है 1.2 mg/ml, मतलब कि 1 ml के अंदर 1.2 mg IgM एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, और उसकी हाफ लाइफ होती है 5 days, ठीक है। IgM फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन टू अपीयर आफ्टर एक्सपोजर टू एन एंटीजन, ठीक है, अगर कोई एंटीजन का एक्सपोजर हो रहा है, मान लो कि कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ, ठीक है, तो जो भी पहले एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी वो है हमारी IgM टाइप की एंटीबॉडी, ठीक है। IgM एग्जिस्ट एज पेंटामर, ठीक है, वो मैंने बोला, और वो किससे कनेक्टेड है, ज्वाइनिंग J चेन से कनेक्टेड होती है। यहाँ आप एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये IgM का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ क्या है, पेंटामर है, क्योंकि 5 एंटीबॉडी यहाँ प्रेजेंट है और वो सारी जे चेन से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ आपको देख रहे होगे कि 5 एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, पेंटामर है, तो यहाँ फेव फ्रेगमेंट है, फेव फ्रेगमेंट, ठीक है, वो भी कितने है, 10 है। क्यों 10 है, क्योंकि एक एंटीबॉडी में टू फेव फ्रेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ कितनी एंटीबॉडी है, 5 एंटीबॉडी है, तो यहाँ फेव फ्रेगमेंट भी कितने हो गए, 10। तो यहाँ वेरिएबल रीजन भी कितने हो गए, 10। तो यहाँ एंटीजन कितने बाइंड हो सकते हैं, 10 एंटीजन भी बाइंड हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि सारे जो भी है, ठीक है, यहाँ वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होगा तो यहाँ एंटीबॉडी आके बाइंड होगा, यहाँ, ठीक है, तो यहाँ आपको 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो आगे भी यही लिखा हुआ है कि जो भी IgM है, ठीक है, उसके पास 10 फेव फ्रेगमेंट है, मतलब कि 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। जो भी IgM एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को, मतलब प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ IgM अगर
प्लेसेंटा को वो क्रॉस नहीं कर पा रही है। फिर भी अगर कोई भी इन्फंट्स के अंदर, कोई भी फिटस के अंदर IgM एंटीबॉडी अगर डिटेक्ट होती है, तो उसका मतलब कि उसको कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, तो वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर है फंक्शंस ऑफ IgM। तो एक्यूट इन्फेक्शन में मतलब कि फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग एन इन्फेक्शन, क्योंकि जब भी इन्फेक्शन होगा कोई भी ऑर्गेनिजम्स का, तो जो फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी वो होगी हमारी IgM, ठीक है। तो एक्यूट इन्फेक्शन, फिर है कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग, कोई भी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन एक्टिवेटर ऑफ क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे। जब भी हम क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो वहाँ क्योंकि यहाँ IgM है उसके पास, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है उसका, तो वो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे को जल्दी एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। इट्स ऑल्सो प्रेजेंट ऑन बी सेल सरफेस इन मोनोमेरिक फॉर्म। वो बी सेल सरफेस पर भी प्रेजेंट होते हैं, पर वहाँ वो पेंटामेरिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, वो मैंने मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, बी सेल रिसेप्टर की तरफ वो काम करता है कोई भी एंटीजन बाइंडिंग साइट को, ठीक है। वो क्या करेंगे, बी सेल रिसेप्टर की तरह एक्ट करेंगे ताकि कोई एंटीजन है वो आके वहाँ बाइंड हो सके, ठीक है। इट एक्ट एज एन ऑप्सोनिन, बाइंड्स टू एंटीजन व्हिच इज देन इजीली रिकॉग्नाइज एंड रिमूव। और क्या काम करेगा, ऑप्सोनिन का काम करेगा, ऑप्सोनिन का काम मैंने पहले ही बता दिया, ऑप्सोनिन है वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट भी होती है एंड कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट होती है, ठीक है। वो जब हम ऑप्सोनिन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंट्रावास्क्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इंट्रावास्क्यूलर ऑर्गेनिज्म वो प्रोटेक्ट करता है, मतलब IgM बिंग अगर कोई ब्लड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको किल करने में हेल्प करता है। फिर है हमारी IgD का स्ट्रक्चर IgG जैसा ही होता है, और उसका मोलिकुलर वेट है 180,000 डाल्टन, और उसका जो भी ब्लड सीरम में कंसंट्रेशन है वो है 0.03 मिलीग्राम पर ml, और उसकी हाफ लाइफ है 3 डेज। IgD का मेन काम क्या है, वो बी सेल सरफेस पर ही प्रेजेंट होती है, ठीक है, और वो जो भी अगर कोई एंटीजन अगर वहाँ आके बाइंड हो रहा है, ठीक है, तो वो बी सेल को सिग्नल देगा कि भाई एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो, कोई एंटीजन आया हुआ है बॉडी के अंदर, ठीक है। और उसके 2 सब क्लासेस नॉन है, IgD1 एंड IgD2। फिर है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इट इज़ द लोएस्ट सीरम कंसंट्रेशन, मतलब कि जो भी सीरम में सबसे कम एंटीबॉडी IgE होती है, ठीक है, और उसकी हाफ लाइफ भी 2 डेज है, और मोलिकुलर वेट है 19,000 डाल्टन, और हीट लेबल जो IgE एंटीबॉडी है वो हीट लेबल है, और उसके अलावा जो भी एंटीबॉडीज है वो हीट स्टेबल है, लेकिन IgE है अगर उसको हम ज़्यादा हीट देंगे, ठीक है, 56 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर, तो वो क्या होगा कि मतलब वो ससेप्टिबल है, ठीक है, और वो ऑल्सो ससेप्टिबल टू मर्केप्टोइथेनॉल, जो भी हमने एंजाइमेटिक डाइजेशन देखा था, ठीक है, तो वो अगर उसको हम मर्केप्टोइथेनॉल से ट्रीट करेंगे तो IgE एंटीबॉडी है वो ससेप्टिबल है, मतलब कि वो डिग्रेड हो जाती है, ठीक है, डजेंट पास द प्लेसेंटल बैरियर। फिर फंक्शंस ऑफ IgE, एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट पैरासाइट्स एंड एक्स्ट्रावास्क्यूलर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन। तो एलर्जिक रिएक्शन में जब भी कोई एंटीजन, ठीक, IgE वो कहाँ बाइंड होगा, वो बाइंड होगा कोई भी मास्ट सेल है, बेसोफिल है, कोई स्पेशलाइज सेल है, ठीक है, उसके एफ जो भी IgE का FC रीजन है वो किसके साथ बाइंड होगा, मास्ट सेल है, बेसोफिल है, ठीक है, जो भी स्पेशलाइज सेल है उसके साथ बाइंड होगा। फिर क्या है, इम्यूनिटी अगेंस्ट हेलमिंथिक पैरासाइट, वो कहाँ कोई भी अगर पैरासाइट का इन्फेक्शन लगा है कोई भी चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर आपको जब भी आप टेस्ट करेंगे तो उसके सीरम में IgE का कंसंट्रेशन इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। फिर है एक्स्ट्रावास्क्यूलर, मोस्टली फाउंड एक्स्ट्रावास्क्यूलरली इन द लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। वो जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्स्ट्रावास्क्यूलरी अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी में या तो फिर कोई एलर्जन हमारी बॉडी में अगर आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसके सामने इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। फिर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ IgE अपीयर टू बी प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन बाय मास्ट सेल डिग्रेन्यूलेशन एंड रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। जब भी कोई पैथोजन अगर हमारे बॉडी में एंटर होता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो भी IgE है
वो उसको मतलब कोई भी मास्टर सेल है उसको मैसेज देंगे कि भाई डीग्रेन्यूलेशन करो, मतलब कि जो भी उसके अंदर जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट है वो सीक्रेट हो जाएंगे। जो भी एंजाइम सीक्रेट हो गए ठीक है, वो क्या करेंगे, वो एंटीजन को किल करने में हेल्प करेंगे। लेकिन क्या होता है कि वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है, मतलब कि कोई भी न्यूट्रोफिल है ठीक है, तो वो सबको मैसेज देगा कि भाई यहाँ एंटीजन प्रेजेंट है, आप यहाँ पर आओ, ताकि जो भी एंटीजन है सॉरी जो भी न्यूट्रोफिल्स है मास्ट सेल है ठीक है, वो वहाँ पर आके जमा हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी ये रिस्पॉन्स है वो कुछ ज़्यादा हो जाता है ठीक है, तो उसको हम कहेंगे हाइपर सेंसिटिविटी ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। वो भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आपको अगर कोई भी एंटीबॉडी के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।